हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग, सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। सो सॉरी क्योंकि ये जो व्लॉग है ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अपलोड करने में, और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और ये वाला आउटफिट आज मैं पहनने वाली हूँ, और इसके साथ साथ ये वाला जो मैचिंग ईयर रिंग्स है मैं लगाने वाली हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, मंदिर तो जाना बनता ही है। और वैसे भी मुझे मंदिर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फेस्टिवल्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसमें मंदिर भी जाना बहुत मन को शांति मिलती है। मैं हमेशा मेरे व्लॉग्स में बताती हूँ। तो मेकअप मैं कुछ करती नहीं हूँ वैसे, हर दिन अगर कोई फंक्शन होगा तो कुछ मेकअप वैसे करते हैं, हैवी मेकअप वैसे, बट डेली लाइफ में मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। जो टैल्कम पाउडर आता है वही मैं यूज़ करती हूँ अपने चेहरे के लिए, क्योंकि मेरा स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। और पाउडर वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और अभी बिंदी मैं देख रही हूँ कौन सा लगाऊँ, क्योंकि आउटफिट को थोड़ा मैच भी करना चाहिए कलर वगैरह, है ना। तो अभी देख रही हूँ वही वाला कौन सा लगाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। मेकअप वगैरह करने से थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसे कुछ मेरा 5-10 मिनट में मैं तैयार हो जाती हूँ। और जो ये साइड में आप डब्बा देख रहे हो चोको मिनिस का, उसमें ना मैं सारा अपना जो मेकअप का सामान है वो मैं रखती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक्स हो या फिर नेल पेंट्स हो, क्योंकि मुझे ये जो चोको मिनिस का डब्बा होता है बहुत स्ट्रांग होता है, फेंकने का मन नहीं करता, इसलिए मैं सारा रखती हूँ जमा करके। और साइड में जो काजू का जो बॉक्सेस आता है ना फ्लाइट में देते हैं, तो मेरे जीजू जाते हैं तो वो लेके आते हैं, तो मैं उसमें भी अपना सारा ईयर रिंग्स सारा जमा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे वो स्ट्रांग लगता है वो डब्बा वगैरह, तो फेंकने का मन नहीं करता है, इसलिए जो मेकअप है मेरा सारा वही डब्बा में रहता है। एक दिन मैं दिखाऊंगी आपको सारा उसमें क्या क्या रखी हूँ मैं, कैसे सारा अलग अलग करके रखती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ, और ये जो बिंदी है ये वाला मैं रेड कलर का लगा रही हूँ, क्योंकि मैचिंग में होगा और सारा पाउडर लग जाता है हमेशा जब भी लगाती हूँ, तो गले में इतना पाउडर लगाती हूँ, बचपन से ऐसा आदत है, मेरी बहन मेरे से भी ज़्यादा पाउडर लगाती है गले में, तो ऐसे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग पाउडर। आजकल तो कोई पाउडर यूज़ भी नहीं करता है, बट हम लोग अभी भी स्टिल अभी भी यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग जॉनसन्स पाउडर का आता था ना बच्चों का, तो वाला यूज़ करते थे, बीच में उसमें ज़्यादा केमिकल्स हो रहा था, वैसे कोई भी पाउडर हो केमिकल्स होता ही है, बट जॉनसन्स का बीच में आया था ना कुछ कि नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को जॉनसन्स का मैं छोड़ दी हूँ। और तैयार हो गई ऑलमोस्ट, और बाल तो मेरा छोटा ही है तो कुछ बाल छोटी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दूँगी ऐसे ही। और ये जो आउटफिट है ये वाला मैं ऑनलाइन से परचेज़ की थी, इसका कॉस्ट 500 पड़ा मुझको ये वाला कुर्ता, मुझे अच्छा लगा ये कलर, रेड कलर मेरे पास है भी नहीं वैसे कुर्ताज, और क्लच तो मैं साथ में ले के जा रही हूँ, गर्मी लगेगा तो लगा लूँगी नहीं तो नहीं। आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं, वैसे आज गुरु पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, दर्शन करना चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नॉर्मली भी जाते हैं, और 5 मिनट के रास्ते में ही है हमारे घर से साई बाबा का मंदिर, और हमारे घर में साई बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजा करते हैं। तो मैं हमेशा गुरु पूर्णिमा हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, कोई भी फेस्टिवल मिस नहीं करती, उस दिन मंदिर जैसे भी हो जाती हूँ और दर्शन करती हूँ। मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं, और ये जो टेंट आप देख सकते हो ये वाला हर दिन रहता नहीं है, अभी आज फेस्टिवल है करके स्पेशली टेंट लगाए हैं, क्योंकि आरती के बाद प्रसाद का सेवन भी होगा यहाँ पे, तो लोग धूप में खड़े कैसे होंगे, खाएंगे कैसे, इसलिए ये वाला टेंट लगाए हैं आज। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो भी अच्छा लगा हो तो पूरा देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक भी कर देना वीडियो को। और मैं फ्लावर भी ली हूँ भगवान के पास चढ़ाने के लिए, मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ है, वैसे थर्सडे में आती रहती हूँ बट इतना भीड़ रहता नहीं है, बट आज गुरु पूर्णिमा है तो दूर दूर से लोग आए हैं दर्शन के लिए। और मंदिर मैं पूरा दिखाई हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो मंदिर का मैं पूरा मतलब ऊपर नीचे कैसा है मंदिर एग्जैक्टली मैं सब कुछ आपके साथ शेयर की हूँ, तो अभी तो दिखा नहीं सकती, बट अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग मंदिर के चारों ओर घूमेंगे, 3 बार प्रदक्षिण करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे।
वैसे मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना, वीडियो फोटोज़ कुछ अलाउ नहीं है, बट हमेशा मैं चुपके से ले लेती हूँ। और मूर्ति कुछ इस तरह है, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ तो मैं फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा तो दर्शन हो गया, और अभी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद में हलवा बनाए हैं आज। ये साईं बाबा का मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और एंट्रेंस में ही एंटर करते ही पहले यहाँ पे गणेश भगवान जी का मूर्ति है, और नीचे लेफ्ट साइड में धुनी भी है बाबा का, और नाग देवता भगवान का भी पूजा करते हैं। एक पेड़ है, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हर दिन पूजा होता नहीं है, आज गुरु पूर्णिमा करके स्पेशल पूजा होगा। सारा सजा के डेकोरेशन करके रखे हैं पुजारी जी। अभी यहाँ पे हवन भी होगा, बट अभी हवन करने में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए पुजारी जी शायद अभी आए नहीं हैं, तो पूजा करेंगे थोड़ी देर के बाद। और मंदिर सारा बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया गया है, ऐसे फ्लावर्स लगा के। यहाँ पे बाबा का धुनी है, और सामने में जो पेड़ है ना, ये नाग देवता भगवान का पूजा करते हैं यहाँ पे। साउथ में अगर आप देखोगे तो नाग देवता भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। वैसे हमारा दर्शन तो हो गया है, और अभी टाइम 10:30 हो रहा है, और अब हम लोग जल्दी आए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी 12:30 बजे आरती होगा, उसके बाद प्रसाद सेवन होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रसाद सेवन, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो तब तक रहेंगे नहीं, तो इसलिए अभी दर्शन करके अभी हम लोग चले जा रहे हैं घर। प्रसाद में सांभर होगा, राइस होगा, उसके बाद कोई स्वीट भी होगा शायद। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैंगोस ले रहे हैं। मैंगोस वैसे सीज़न ख़त्म हो गया है, मैंगोस का कम दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंगोस ले लिया है। घर तो हम लोग वापस आ गए हैं, और मुझे अब मेरा जो बाल है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगता है। मुझे पता है छोटा ही बाल है, शॉर्ट हेयर है, बट फिर भी इरिटेशन लगता है हमेशा। मेरा मन करता है कि मैं पूरे बाल ही काट लूँ, क्योंकि जब भी मैं दूसरों को देखती हूँ, इतने बड़े बड़े बाल कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रखते हैं, उनको गर्मी नहीं होता होगा क्या, मैं वही सोचती हूँ। क्योंकि मुझे बड़े बाल सुंदर लगते हैं दूसरों पर, बट खुद पर मैं कभी भी बड़े बाल रखना नहीं चाहूँगी, और कभी भी रखती भी नहीं हूँ। मैं हमेशा बाल काट लेती हूँ जब भी बढ़ता है, तो मुझे हमेशा सब लोग पूछते हैं तो अपना बाल क्यों काट लेती है, छोटा छोटा क्यों रखती है, बट मुझे अच्छा ही लगता है शॉर्ट हेयर। तो मैं बाहर ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए ये छोटे छोटे बाल ही बेटर है उस धूप के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि मैं कुछ खा के गई नहीं थी मंदिर। सुबह उठी थी, मम्मी बोली ब्रेकफास्ट करने को, बट टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं और कुछ खाई भी नहीं हूँ, तैयार हो गए निकल गए थे। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा, मुझे भूख लग रहा है, टाइर्डनेस भी, फेस में टाइर्डनेस भी दिख जाता है मेरा भूख लगने से। चलिए आज डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं। फर्स्ट मम्मी हलवा बनाए थे आज सुबह भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद में, फिर उसके बाद हमारा साग भी है, साग फ्राई, उसके बाद करेला आलू फ्राई बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, फिर चावल दाल और आम जो हम लोग लाए थे। आज सिंपल स्वादिष्ट सात्विक खाना है, और जब भूख लगती है तो कोई भी खाना हो अच्छा ही लगता है ना। खाना खाने के बाद मैं अच्छे से सो गई थी, और अभी उठी हूँ। यहाँ पे मम्मी जो स्टीम का चावल आटे का जो बड़ी होता है, ये वाला बना के घर में सुखाए हैं। ये वाला ना घर में हम लोग सुखा सकते हैं, और बड़ी बहुत अच्छा आता है। तो अभी सारा मैं टर्न करने वाली हूँ, सूख गया है एक साइड, और दूसरे साइड अभी टर्न करने के बाद थोड़ा सा फ़ैन में सूख जाएगा। जो नॉर्मली बड़ी बनाते हैं, तो वो वाला हम लोग धूप में सुखाते हैं, धूप में उल्टा करते हैं, फिर धूप में 3-4 दिन तक रखने के बाद वो बहुत अच्छे से सूख जाने के बाद हम लोग आते हैं। बट ये वाला स्टीम का बड़ी है, चावल आटे से बना है, ये वाला स्टीम में बनाते हैं, तो ये वाला हम लोग घर में भी सुखा सकते हैं फैन के नीचे।
और ये बड़ी के लिए जो समर वाला धूप होता है उसका ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी हम लोग बना सकते हैं, फ़ैन के नीचे ही सुखा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक धूप लगना चाहिए, जैसे कि समर का धूप ज़रूरी नहीं है, जैसे नॉर्मली बालकनी में धूप आता है तो हम लोग वहाँ पे भी प्लेट्स में रख के सुखा सकते हैं। वैसे हमारे बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप आता नहीं है, इसलिए हम लोग ये वाला ट्राई कर रहे थे। ये वाला फर्स्ट टाइम मम्मी बनाए हैं, एक ट्रिप बना दिए हैं, सूख भी गए हैं, मैं आपको दिखाऊँगी। और ये वाला जो है सेकेंड ट्रिप है, तो ये वाला एक साइड सूख गया तो ऐसे ही मैं उल्टा कर लेती। हाँ, ये वाला जो आप देख सकते हो, ये वाला फर्स्ट ट्रिप मम्मी बनाए थे, दो ट्रिप्स, और ये वाला सूखने के बाद कुछ इस तरह हो गया। वैसे और भी बड़ी होते हैं, जैसे कि साबूदाने का बड़ी होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट मुझे इतना पता नहीं है, बट साबूदाने का मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। और ये वाला जो नया तरीके से हम लोग ये वाला स्टीम वाला बना के घर में सुखाए हैं, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और सॉफ्ट भी लगा, क्योंकि जब भी खाते हैं तो इतना हार्ड भी होने से सब लोग खा नहीं पाएंगे ना, थोड़ा सॉफ्ट होने से सब लोग एंजॉय कर सकेंगे, बड़े बूढ़े सभी लोग। और ये वाला जिस दिन भी कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया, जैसे कि कुछ अच्छा सब्जी बना नहीं है, हमारा फेवरेट नहीं है, तो उस दिन हम लोग ये फ्राई करके साइड डिश की तरह हम लोग खा सकते हैं। और शाम के टाइम में भी चाय में भी अगर कुछ बिस्किट वगैरह घर में अवेलेबल नहीं है तो हम लोग चाय के साथ भी ऐसे कुछ फ्राई करके, ऐसे बड़ी भी फ्राई करके खा सकते हैं, तो बच्चे लोग भी ऐसे पसंद करेंगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखे हैं घर में। टाइम अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं और मेरे पापा जा रहे हैं नीचे टेबल टेनिस खेलने के लिए। और वैसे टेबल टेनिस मुझे खेलना आता नहीं है, मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है, खेलना भी आता है, वो इजी लगता है, बट टेबल टेनिस पता नहीं क्यों कुछ तरीका समझ में ही नहीं आता है कैसे मारना है। टेबल टेनिस खेलना कम हो रहा है और नीचे से बॉल उठाना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे मारूं। मैं ऊपर ऊपर ऐसे बहुत ज़ोर से मार दे रही हूं और ऊपर नीचे आगे पीछे देख भी नहीं रही हूं कैसे मारना है। पापा बता रहे कि ऐसे नहीं वैसे मारते हैं, ऐसे खेलते हैं, बट मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे मारना है, मैं फटाक से ऐसे ऊपर से मार दे रही हूं, तो बॉल ज़्यादातर नीचे ही गिर रहा है। खेलना तो हमारा हो गया है और अभी हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग भी किए हैं, नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं मैं और पापा। और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फेस्टिवल्स के दिन एक अच्छा सा डिफरेंट माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, अच्छा लगता है उस दिन, कुछ अलग अलग सा लगता है फेस्टिवल्स के दिन, तो मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। फिर मिलूँगी दूसरे ब्लॉग के साथ, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।